रहमान रहीम सूरह माईदा की आयत नंबर 103 की तफसीर। इसमें हम पढ़ेंगे कि अरब के अंदर यानी मक्का के अंदर सबसे पहले जिस बंदे ने शिर्क के ऊपर जानवर छोड़ने यानी बुतों के नाम पर देवताओं के नाम पर जानवर छोड़ने शुरू किए उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नुम में अपनी अंतरियां घसीटते हुए देखा। उसका नाम था अमर बिन आमर अल खुज़ाई। अल्लाह ताला ने इरशाद बारी ताला अल्लाह ताला ने ना कोई बहीरा को कोई चीज़ बनाया, ना साहिबा को, ना वसीला को और ना हाम को। ये हाम एक ऊंट का नाम है और बहीरा एक ऊँटनी का नाम है। अब देखते हैं कि इस तफसीर में साहिबा और वसीला को किस क्यों इसका साहिबा और वसीला कौन सी ऊँटनियाँ या जानवरों के नाम है। हज़रत सईद बिन मुसैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, सही बुखारी 4623। उन्होंने कहा बहीरा वो ऊँटनी है जिसका दूध बुतों के लिए रोक दिया जाता और कोई शख्स भी इसके दूध को दोहने का मजाज ना होता था। और साहिबा इस ऊँटनी को कहते थे जिसे कुफार अपने देवताओं के नाम पर आज़ाद कर देते थे। इससे बार बुर्दारी का काम या सवारी का काम न लिया जाता था। वो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अमर बिन आमिर अल खुज़ाई को देखा, वह अपनी अंतड़ियों को जहन्नुम में घसीट रहा था। यह पहला शख्स था जिसने देवताओं के नाम पर जानवर छोड़ने की रस्म निकाली। साइद बिन मुसैब ने कहा कि वसीला इस जवान ऊँटनी को कहते थे जो पहली मर्तबा मादा बच्चा जन्म देती, फिर दूसरी मर्तबा भी मादा बच्चा पैदा करती। इसे भी वो बुतों के नाम पर आज़ाद कर देते थे बशर्त कि वो मुसलसल दो मर्तबा मादा बच्चा पैदा करती और दरमियान में कोई नर बच्चा पैदा ना होता। हम इस नर ऊँट को कहते हैं जो एक मुकर्रर मकदार में किसी ऊँटनी से जुफ्ती करता, जब वो मुकर्रर मकदार पूरी कर लेता तो इसे भी बुतों के नाम पर छोड़ देते थे। इस पर न बोझ लाता जाता ना इस पर सवारी ही करने की किसी को इजाज़त होती। इसे वो हाम का नाम देते थे। सही बुखारी।